यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टेबल के अंदर आइटम्स लिखे हुए हैं और अमाउंट लिखे हुए हैं। अब हमें ये पता करना है कि जो आइटम्स हैं, कौन सा आइटम कितने अमाउंट्स का आया है। देखिए यहाँ पर आइटम जो हैं रिपीट हो रहे हैं। देखिए स्कैनर यहाँ भी है और स्कैनर यहाँ भी है। अब ये सभी आइटम रिपीट हो रहे हैं। अब हमें इनका टोटल निकालना है, वो भी विदाउट फिल्टर। तो इसके लिए शॉर्ट की आपको बताऊंगा, बड़ी आसानी से आप चुटकी में आप इसे कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ आइटम के ऊपर कर्जर रखेंगे और यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पर, और इसको ए टू जेड कर लेंगे, यानी कि इसको अल्फाबेटिकली कर लेंगे। उसके बाद में आपको डेटा पे क्लिक करना है, और जहाँ पर लिखा है सब टोटल, आपको सब टोटल पे क्लिक करना है। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको आइटम का टोटल करना है, इसलिए इसने ऑलरेडी आइटम को सिलेक्ट कर लिया। अगर नहीं सिलेक्ट होता तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमें आइटम का टोटल करना है, आइटम सिलेक्ट कर लिया, सम ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है ही है। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट का टोटल करना है, तो ये अमाउंट पे ऑलरेडी टिक है, तो हमें आइटम्स और अमाउंट का टोटल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आइटम्स ले लिया और यहाँ पर सब टोटल में हमने अमाउंट ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में अब हम ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हमने ओके किया, प्रत्येक आइटम को देखिए यहाँ पर इसमें टोटल करके हमें निकाल के दे दिया। अब हम इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर टू पे क्लिक करते हैं और इसमें थोड़ा हम कलर कर देते हैं जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रत्येक रो को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से हम उसको कोई भी एक कलर दे देते हैं। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करके इसमें बॉर्डर भी इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे चेक करते हैं दोबारा से। ये देखिए हम यहाँ शीट 3 पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर साइड में जो लाइनिंग आ रही है, अब इस लाइन को भी हटा सकते हैं। लाइन को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे दोबारा से, पहले डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है अनग्रुप, आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है क्लियर आउटलाइन, आप क्लियर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से आउटलाइन हट चुकी है और सभी आइटम का देखिए टोटल भी नीचे आ रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।